मित्रों, टू बेडरूम हॉल किचन की स्कीम में भी माइनॉरिटी का रिजर्वेशन किया, संविधान विरोधी मुस्लिम रिजर्वेशन शिक्षा में किया और कई सारी बातें की। मैं यहां कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। बड़े पैमाने पर सरकार के फंड का दुरुपयोग हो रहा है, उल्टी चारा घोटाले, इसको आप संभाल कर बैठे हो, आपके इर्द गिर्द के लोग ही इस घोटाले के मुख्य आरोपी है। मित्रों, ये बीआरएस ध्यान बटाने के लिए तेलंगाना राष्ट्र समिति से भारत राष्ट्र समिति बना, क्योंकि वो ध्यान बटाना चाहते। भैया केसीआर, तेलंगाना में ही आपका काम तमाम होने वाला है, भारत की कहां बात करते। इन्होंने प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न देखा है, इधर उधर घूमते कि भी प्रधानमंत्री का बात करेंगे तो मुख्यमंत्री तो बन ही जाओगे। अरे तेलंगाना की जनता सब समझती है, प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है, 24 में फिर से पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। केसीआर, नरेंद्र मोदी, मुझे बताओ चेवेल्ला वालों, 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? ऐसे नहीं दोनों हाथ उठाकर बताओ, बनाओगे? मगर 24 में अगर फुल पिक्चर देखना है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का, तो उसके पहले ट्रेलर आता है तेलंगाना में भाजपा की सरकार बनाने का। बनाएंगे सरकार? मित्रों, कई सारे प्रोजेक्टों में भ्रष्टाचार की गंगा बहाई है। इन्होंने तेलंगाना को अपने परिवार के लिए एटीएम बनाकर रखा है, मगर अब तेलंगाना की जनता जागरूक हो गई। और मैं तेलंगाना की जनता को कहने चाहता हूं, निर्लज्जता के साथ, कोई शर्म के बगैर ओबीसी के एजेंडे पर एक केसीआर चलते हैं। वो तेलंगाना का स्वतंत्रता दिन भी नहीं मनाते हैं। मुझे बताओ, सरदार पटेल ने तेलंगाना की रचना की, निजाम को भगाया, तेलंगाना स्वतंत्रता दिन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? जोर से बोलिए, मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? मैं आपको वादा करते जाता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, हैदराबाद में परेड ग्राउंड में पूरी दुनिया देखे ऐसा तेलंगाना स्वतंत्रता दिन हम मनाएंगे। हम नहीं रहते हैं मजलिस से, मजलिस साहब के लिए मजबूरी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं। तेलंगाना सरकार तेलंगाना के लोगों के लिए चलेगी, ओवैसी के लिए नहीं चलेगी। 24 घंटे भी नहीं रख पाए, 24 घंटे में कोर्ट ने बेल देकर रिहा कर। हमारे नेता विधानसभा में एटेला राजेंद्र जी बोलने को खड़े हुए, तुरंत उनको आपने क्रू के बाहर कर दिया। क्या समझते हो कि आप बोलने नहीं दोगे तो हम तेलंगाना की जनता को हमारी बात नहीं करेंगे? वहां तो
विधानसभा में आपने रोक लिया, आज लाखों लाखों लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़े हैं। आप कुछ नहीं कर सकते हो। माताओं, भाइयों, बहनों, यहां की पुलिस का कंप्लीट पॉलिटिसाइजेशन हो चुका है, प्रशासन का संपूर्ण राजनीतिकरण हुआ है और वेलफेयर स्कीम भी जो मोदी जी भेजते हैं नीचे तक नहीं पहुंचने देते हैं, नीचे तक नहीं पहुंचने देते। मैं तेलंगाना के गरीबों को कहना चाहता हूं कि अब वो दूर दिन दूर नहीं है। केसीआर कितना भी कर ले, वो आपको मोदी जी से दूर नहीं कर सकता। आने वाले चुनाव के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। मित्रों, राज्य में युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, एसएससी का पेपर लीक हो रहा है, तेलंगाना स्टेट सर्विस कमीशन के पेपर भी लीक हो रहे हैं। 55,000 से ज्यादा, अरे लाखों युवाओं का भविष्य एक केसीआर की सरकार ने बर्बाद कर दिया है। केसीआर चुनाव के मैदान में ये युवा आपका हिसाब किताब करने के लिए तैयार है। राज्य में 2,00,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, 2 टर्म से भर्ती नहीं करी और अब अंत में जल्दी जल्दी में भर्ती करी है, करने का प्रयास किया है। 80,000 भर्तियों की घोषणा की, उसमें भी पेपर लीक कर युवाओं को बर्बाद करने का काम आपने किया है। मुझे बताओ तेलंगाना के युवाओं, एक केसीआर को जिसने तेलंगाना के युवाओं का भविष्य बर्बाद किया, इसको एक क्षण भी सत्ता पर रहने का अधिकार है क्या? जोर से बोलो, है क्या? जो ठीक से एक भी परीक्षा नहीं कर सकता है उसको सत्ता पर रहने का अधिकार नहीं। 9 साल में हजारों लाखों शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की, टीएसपीएससी के घोटाले पर मुख्यमंत्री ने अब तक एक शब्द नहीं बोला है। केसीआर किसको बचाना चाहते हो आप में अगर हिम्मत है तो सिटिंग जज की जांच रखो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अगर आप नहीं रखते हो तो ऐसे मत समझो कि बच जाओगे। भाजपा की सरकार बनने वाली है, भ्रष्टाचार करने वाले एक एक व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे भारतीय जनता पार्टी डालेगी। आप इस तरह से बेरोजगार युवाओं पर लाठी चलाकर, हमारे नेताओं को जेल में डालकर जनता का मुंह चुप नहीं कर सकते हो। केसीआर, आपका और आपके परिवार का भ्रष्टाचारी शासन तेलंगाना की जनता अब जान चुकी है।